मैं जब ब्रांच से घर की तरफ जा रही, पूरे टाइम मेरे आंखों में आंसू आने लग रहे थे। मतलब फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके दिमाग में सारे थॉट्स जाते हैं कि क्या कितनी जर्नी लंबी आपने देखी है और फिर आप आज ये दिन देख रहे हो। ये क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे बच्चे कई बार आप सब भी पूछते हो कि सर आप इतने शांत कैसे हो, आप इतने हम्बल कैसे हो। सो नाउ यू गॉट द आंसर। बहुत रगड़ा है, बहुत बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, और मैं कहता हूँ कि सबने साथ दिया है। जाकिर खान एक बहुत प्यारी बात बोलता है कि किस बात का गुरूर करूँ यार, यहाँ तक पहुँचा हूँ, सबने अपना हाथ दिया यार, किस बात का गुरूर। बात नहीं है अभी जया, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ इतना बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया है, बहुत बहुत थैंक यू बधाई सर, आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक कहाँ से हो यू जय आप? सर। मैं गाजियाबाद में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? सर। अभी तक सिंक इन नहीं कर पा रही वो फीलिंग, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब हम जब प्रिपेयर करते थे तो वो बीच बीच में पढ़ाई के बाद एक गैप सा जब रेस्ट लेते थे तो उसमें डे ड्रीम करते थे कि हाँ ऐसा होगा कभी तो वो दिन आएगा जब ट्रू होगा और मेरे को मौका मिलेगा फिर शायद कि मैं अपने एडुकेटर से बात करूंगी, आपसे मिलूंगी, आपसे बात करूंगी। लेकिन वो सब फीलिंग्स उस टाइम पे एकदम सरियल सी लगती थी, अभी जब ये एक्चुअल में हो रहा है मैं अभी भी बिलीव ही नहीं कर पा रही कि ये आप हो आ रहे रहा हो, है। मतलब आप गाजियाबाद में हो, कल दिल्ली आ रहे हो आप? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली सर, बहुत आपसे बढ़िया। मिलने का मौका कैसे छोड़ेंगे। सो कल मिलते हैं, और इसके अलावा अभी मुझे मतलब आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सर सारा आपका ही इंस्पिरेशन, मतलब यू आर माय आइडल आई वुड से दैट। मतलब जब मैंने शुरुआत की थी जो मैं उस टाइम थी और जो मैं आज बन गई हूँ, मतलब पूरा क्रेडिट मैं आपको दूंगी। आप सिर्फ मेरे लिए, मैंने बहुत बार जब जब मुझे मौका मिला डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपसे इंटरेक्ट करने का, मतलब बी इट वेयर टेक्स्ट और इनबॉक्स पे, तो मैंने हमेशा ये आपसे कहा कि आप सिर्फ एडुकेटर नहीं हो मेरे लिए, आप मतलब पूरा एक लाइफ को लीड करने का पूरा तरीका सिखाते हो, समझाते हो। अरे तो वो आई एम श्योर कि मेरी तरह बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनने अपने अंदर अपने पर्सनालिटीज में ये चेंजेस आपके थ्रू पाया होगा, अब वो देख रहे होंगे ये चीज। थैंक यू सो मच जी जी मैं बस ये कोशिश करता हूँ मतलब कि लाइफ में ना टीचर बनना ना एक अपने आप में सिर्फ ये काम नहीं है कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो वो आप पढ़ा जाओ। मतलब मुझे ये लगता है कि लाइफ में अगर कोई एक छोटी सी चीज़ भी मैंने सीखी है ना, मैंने इतना भी सीखा है कि ना कि ग्लास में पानी कैसे डालते हैं, और अगर किसी की मैं उस चीज़ में भी छोटी सी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, तो मैं कर देता हूँ। और लाइफ में ना इतना ज़्यादा मैं नीचे से ऊपर की तरफ आया हूँ ना, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो मेरे स्टूडेंट करें या मेरे सुनने वाले करें। मैं उनको बस वो होता है ना एक एक शील्ड की तरह हेल्प करना चाहता हूँ कि यार आप उधर मत जाओ, ये मत करो, बहुत परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा वो कोशिश मेरी रहती है। बिल्कुल सर, और वो ये गाइडेंस जब आपसे मिलती है हम एस्पिरेंट्स को, तो हम वो और ज्यादा इजिली उस चीज में ट्रस्ट इन कर पाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि बुक्स में हम बहुत जगहों पे पढ़ते हैं लेकिन वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में आपसे वो एक स्टेप, एक पुश सा मिल जाता है दैट इट इज पॉसिबल। अगर सर कह रहे हैं तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। तो रियली वी आर ट्रूली ग्रेटफुल सर कि आप जैसे एडुकेटर का एक्सेस हम कर पा रहे हैं इतने इजिली। सच में वी आर सो लकी सर। थैंक यू जया। और रिजल्ट अभी जो आपका रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इससे पहले कोई और पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा? यस सर, लास्ट ईयर के मतलब सारे रिजल्ट्स में तो खैर मुझे रिजेक्शन मिला था, लेकिन एक जो आईबीपीएस क्लर्क का था उसमें मुझे रिजर्व लिस्ट में डाला गया था, तो 31 दिसंबर को उसको उसके उसमें मुझे पंजाब नेशनल बैंक मिला। तो अभी 27 मार्च को मैंने ज्वाइन भी कर लिया बैंक, तो अभी अच्छा उसमें हूँ। और इसके अलावा सर आईबीपीएस पीओ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है सर। ठीक है, अभी इसी साल ही या फिर वो भी पिछले साल का रिजर्व लिस्ट था? सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आया उसमें आई गॉट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अरे क्या बात, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ दोनों ही निकाल दिए, बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? ठीक सर 2020 लॉकडाउन में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, है और उसी टाइम से मालूम था कि मुझे अनअकैडमी से ही करना है,
बट वही था क्योंकि कोविड का सब चल रहा था तो फाइनेंशियल क्रंच ज्यादा था उस टाइम पे, तो आई डिडंट टेक सब्सक्रिप्शन फॉर मच लॉन्गर टाइम, जितना लेना चाहिए आप लोग जितना सजेस्ट करते हैं. तो मैंने उस टाइम 3 महीने का अनअकैडमी का प्रिपरेशन लिया था, वो सब्सक्रिप्शन लिया था, और उस 3 महीने में आई रिमेम्बर आई बिंजे वॉच्ड ऑल योर क्लासेस. मतलब ऐसा था कि वो पूरा टाइम बस, मतलब हाँ आप कहते हैं कि प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन मेरे मेरे दिमाग में था कि आपके फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पे है, तो इन केस मेरे प्रैक्टिस सेशंस के टाइम अगर मुझे कहीं डाउट होगा तो यू आर ऑलवेज एक्सेसिबल थ्रू दैट प्लेटफॉर्म. तो आई बिंजे वॉच द क्लासेस, और जितनी मेरे मैं सिलेबस कंप्लीट, मतलब एक आइडिया लेना था कि कैसे ये मैं इस प्रिपरेशन में, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या क्या मुझे करने की जरूरत है, तो वो ऑल दैट हेल्प आई गॉट फ्रॉम दैट ड्यूरिंग दैट सब्सक्रिप्शन फेज. और फिर मैंने वो कंप्लीट करके सर, फिर मैं तो कांस्टेंट था जर्नी. बस हाँ ये है कि लास्ट ईयर थोड़ा मेरा वो सेक्लूड हो गया था कि मैं थोड़ा सेल्फ सेल्फ स्टडी पे ही ज्यादा वो पूरी तरीके से कर रही थी, तो मैंने पूरा फिर उस टाइम सर मॉक टेस्ट से ही किया था. रिजल्ट वाले दिन का क्या माहौल था? थोड़ा सा डिटेल में मैं जानना चाहूंगा, घर पे रिजल्ट आने के बाद क्या रिएक्शन था और क्या फीलिंग्स थी? पर ये एक बात सच है कि जो पहली पहला खुशी होती है, जो पहली खुशी होती है वो उसको वो अनबीटेबल है, वो कोई उस चीज को नहीं कर सकता. तो वो खुशी मुझे 31 दिसंबर को मिली पंजाब नेशनल बैंक में, जब क्लर्क में मेरा हो गया. तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि अच्छा मैं अनएम्प्लॉयड नहीं होंगी अब मतलब ये मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है. मतलब लास्ट ईयर मुझे याद है जब नया साल शुरू होने को था तो मैं बहुत सैड थी, अपसेट थी, मैं रोई भी थी कि इस साल फिर से मुझे बेरोजगार रहना पड़ेगा. लेकिन फिर जब इस 31 दिसंबर को नया साल अगले दिन था, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर अब शुरुआत क्या हो सकती है. तो वो उस टाइम पे जब जैसे ही आया, मैंने मम्मी को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक वो रिजर्व वाले में मिल गया. मम्मी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही. मम्मी मतलब इतने सारे बैक टू बैक स्ट्रगल्स के बाद पेरेंट्स भी होपलेस हो जाते हैं, वो एक चीज एक बार में उस चीज को बिलीव नहीं कर पाते हैं. फिर जैसे जैसे हमने अपने रिलेटिव्स को बताया, वो लोग एकदम अप्रिशिएट करने लगे. मुझे लगा कि मैं जैसे पहले सोच रही थी कि अरे क्लर्क है सिर्फ, वो बात नहीं है, मैं आई हैव रियली डन समथिंग. मतलब वो लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, तो जब सबको शेयर किया, वो खुशी डबल होती गई, दुगनी होती गई. और उसके बाद फिर 1 अप्रैल आईबीपीएस पीओ का आया रिजल्ट, और वो तो उस पॉइंट पे तो सभी एकदम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे. और मैं मेरे को सर पॉजिटिव वाइब थी, मतलब आईबीपीएस पीओ के रिजल्ट में मेरे को था पहले से कि दैट आई वुड मेक थ्रू इट. तो वो भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड नहीं था. लेकिन एसबीआई पीओ सर, उसमें मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में. मतलब मैं एग्जाम दे के आई थी मेन्स का, और मेरा दिमाग एकदम हिलसा गया था कि क्या पेपर आया था. उनने मेरे घर पे पूछा सबने कि कैसा पेपर गया, तो आईबीपीएस पीओ का तो मैं बता पाई थी, एक्सप्लेन कर पाई थी दैट आई डिड वेल और चांस है काफी ज्यादा. इसमें मैं आई वाज लाइक कुछ नहीं पता, मुझसे कुछ मत पूछो बस. और फिर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इंटरव्यू में मैं निकाल पाऊंगी, लेकिन फिर वो आया मेन्स का रिजल्ट, और उसमें हो गया मेरा. मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम मैं एसबीआई का इंटरव्यू दूंगी. फिर उसके बाद सर इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू एकदम चिल मोड में दिया. उन दिनों हमारा ट्रेनिंग खत्म ही हुआ था पीएनबी का क्लर्क का, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि वही ट्रेनिंग डेज में बहुत ज्यादा फन टाइम एक्टिविटीज एंड ऑल होता है, तो ज्यादा मैं नहीं कर पाई थी, इसमें देख नहीं पाई थी. मैं बस अपने आप को गिल्टी फील होता था कि अरे एसबीआई का इंटरव्यू आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा. और फिर लेकिन जब सर यू वोंट बिलीव, मैंने कुछ उसके तरफ स्पेशली नहीं किया. एक दिन बचा था, एक दिन का गैप आया था क्योंकि ब्रांच भी ज्वाइनिंग हो गई थी, बहुत सब रश चल रहा था. तब मैंने अपने नोट्स उठाए कि अच्छा थोड़ा देख ले जाया क्या है ये एसबीआई के इंटरव्यू में, जीडी होगा जीई होगा, देख लेती हूँ कुछ तो थोड़ा आइडिया हो, पता चले. तो फिर मैंने उस एक दिन में पूरा देखा जो देखा, एंड देन आई वेंट एंड आई डिड. मतलब मेरा जीडी ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज, मेरे पैनल में 9 टोटल 11 थे, 2 लोग डिसक्वालीफाई हो गए थे किसी रीजन से और हम लोग 9 बचे थे. तो उन सब ने कहा कि आई डिड सो वेल, और मेरे मेरे पार्ट पे आई आई डिड रियली गुड. मतलब उन सबको मैं साथ लेके वो चल रही मैं इस थी. बात को लेके तो श्योर हूँ आप क्या कहने वाले हो। आपका स्पोकन बहुत अच्छा, आप अच्छा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और पढ़ के तो आप गए ही होंगे, तो इंटरव्यू जीडी में तो आपने बहुत बढ़िया किया ही होगा। सर इंटरव्यू के लिए मैं थोड़ा मतलब बहुत नर्वस सी हो गई थी, तो उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि एवरेज गया है. मतलब जीडी जी के लिए तो आई वाज लाइक कि अच्छा है, बहुत अच्छा गया, मतलब मेरी तरफ से मेरा अच्छा था. इंटरव्यू में
मैं श्योर नहीं थी उसमें, मतलब एवरेज सब वो जैसे थोड़ा सा नर्वस करना कराने की कोशिश करते हैं, तो उसमें थोड़ा मैं स्वेइन हो गई थी, बट आई रिप्लाई टू ऑल दो ऑल देयर क्वेश्चंस। मैंने अपना बेस्ट किया कि मैं रिफ्लेक्ट कर पाऊँ अपनी थॉट्स उनको, कि किस चीज में मैं बिलीव करती, मेरे मेरी इंटीग्रिटी, हाँ जी कैरेक्टर हाँ मेरा जी क्या है। एंड आई नाउ दैट रिजल्ट हैज कम, आई फील कि मैं उसमें सक्सेसफुल हुई। तभी उन लोगों ने मुझे, अभी तो स्कोर कार्ड नहीं आया है सर, तो देखते हैं। बट हो गया। यस सर, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और जब ये SBI का सर, आपका वो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाई, SBIPO का जब रिजल्ट आया था, तो मैं ब्रांच में ही थी उस दिन। तो उस दिन ये हो रहा था कि दो तीन हमारे स्टाफ एब्सेंट थे, ऑफिसर्स वाले, तो उनका काम बहुत ज्यादा था, तो वो मेरे को भी करना पड़ा था। तो मैं 6-10 तक रुकी थी ब्रांच में। फिर जब मैं जाने को ही कर रही थी, तो मेरे एक सीनियर सर बोले कि नहीं जया, अभी रुको, अभी समोसा और कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा हूँ मैं, तुम्हें खा के जाना है। तो मैं थोड़ा इंसिस्ट पहले कर रही थी कि नहीं घर जाना है, वो बोले नहीं नहीं रुके रहो, तो मैं बैठ गई। फिर जब मैं फोन चला रही थी, तभी मैंने देखा किसी ने PDF शेयर किया है ग्रुप पे। हाँ उससे मतलब आप बिल्कुल अपने थॉट्स को सिंक इन नहीं होने देते कि आप क्या सोच रहे हो, आप बस तुरंत वो खोलते हो, तुरंत नंबर रोल नंबर डालोगे कि लेट इट बी, देखते हैं फेस करते हैं क्या है, और उसमें वो पूरा हाईलाइट होके आ गया। और वो फीलिंग सर, उसी टाइम मेरे सामने उनने सर ने समोसा और कोल्ड ड्रिंक रखा, इत्तेफाक से वही मेरी ट्रीट उस टाइम चल रही थी। तो मैंने सर को बताया कि सर ये यूनिवर्स ने SBIPO। आपको ना पहले ही ट्रीट दे दी थी। हाँ सर। और फिर मैंने सर को बताया कि सर SBIPO हो गया, तो उनने मेरे पीठ पे थपथपी दी, उन्होंने बोला बहुत अच्छा कर रहे हो जया, तुम बहुत आगे जाओगे। तो दैट वॉज हाउ इट हैपेंड। एंड फिर मैंने मम्मा को कॉल किया, मम्मी मम्मी को वो सबसे पहले बताया फोन पे, वो लोग इतना खुश हुए। फिर मैं जब ब्रांच से घर की तरफ जा रही, पूरे टाइम मेरे आंखों में आंसू आने लग रहे थे। मतलब फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके दिमाग में सारे थॉट्स जाते हैं कि क्या, कितनी जर्नी लंबी आपने देखी है, और फिर आप आज ये दिन देख रहे हो। बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग था सर, मतलब वो फीलिंग एक दिन तक पूरी, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। घर पे केक आया, मेरा फेवरेट केक आया, और बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें, मैं एकदम एक एक स्पून खा के बोली बस मेरा पेट भरा है, खुशी से पेट भरा है। मिल वैसा गया ना सर, सब सब मिल गया, ये चीजें यस सबसे बड़ी चीज मिल गई जिसके सपने देखते थे वो मिल गया। सर, वही तो मुश्किल था जया? सर, मतलब हाँ मुश्किल था। मतलब घर पे सिचुएशंस कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है कि आप अपना अटेंशन दो वहां पे, आप चाहते भी हो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो भी आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स में डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हो। तो जब तक मैं घर पे प्रिपेयर कर रही थी सर, तो ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ दिन करती थी, एक हफ्ते करती थी, और मैं बहुत अच्छा रूटीन करती थी, रनिंग करती थी, योगा करती थी, जैसा आपने, आप भी बहुत ज्यादा ही एडवाइस करते हो कि हमें अपना ये बाकी पहलुओं पे भी ध्यान देना चाहिए बिल्कुल पढ़ाई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भी अभी रियलाइज करती हूँ, ये बिलीव करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है जो हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं करती थी, फिर एक हफ्ते में वो घर पे जितना कुछ चलता होता था, फिर वो मैं डिस्ट्रैक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट जो चलते थे, मैं बर्नआउट फील करने लग जाती थी। फिर मैंने जब लास्ट ईयर, मेरा ये सितंबर का बिगनिंग था, तो आई वाज लाइक कि ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे फिर मेरा माइंडसेट नहीं बन पाएगा, मतलब मैं कितना भी पढ़ रही हूँ, वो माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइब्रेरी मेंबरशिप लूंगी। तो मेरी मेरी एक सिस्टर छोटी आई थी सर 2019 में, मतलब बधाई हो वाला पूरा सीन मेरे घर पे हुआ था, तो उसी का मेन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन था यहाँ पे। तो इसलिए फिर मैं, और वो एकदम टोटली मेरे पे डिपेंडेंट हो गई थी, मतलब मैं एकदम मदर फिगर हूँ उसके लिए, तो सब एकदम हाँ ऐसा मुझे हो रहा था कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। लेकिन फिर मैंने लाइब्रेरी मेंबरशिप ली, आई टुक दैट डिसीजन, आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दैट, क्योंकि नहीं, आज नहीं हो पाता अगर मैं वो ना करती। फिर उसके बाद तो सर ठंडी आई और बारिश हुई, जो भी जितने भी मौसम थे, मैं कभी मैंने स्किप नहीं होने दिया। दिवाली अगले दिन थी, आई रिमेम्बर स्टिल, आई वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, आई वॉज स्टडिंग कॉन्स्टेंटली। और फिर तो मेरे मेन्स के मॉक टेस्ट अब का रिजल्ट अपने आप ही बता रहे थे सर कि इस बार मेरा बहुत ज्यादा चांस है। एक बार आई, वंस आई गॉट 100th percentile, एंड देन ऑलवेज इन 90th percentile, सो दैट वॉज हाई हाउ इट वॉज गोइंग। और उसके बाद तब तो फिर मैंने लाइब्रेरी मेंबरशिप छोड़ी नहीं, फेब तक मैं गई। उसके बाद जब मेरे को लगा अब नाउ आई हैव डन ऑल दैट आई कुड फ्रॉम माई पार्ट, आई डिड माई 100%, देन आई लेफ्ट लाइब्रेरी, और ऐसे मेरी प्रिपरेशन हो पाई सर। जी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था? सर सबसे बड़ा चैलेंज आई फील हमारा खुद के साथ ही स्ट्रगल को हम कह सकते हैं, जो मतलब आप ना एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस
पर्सपेक्टिव से रिसीव करते हो, किस नजरिए से उनको लेते हो, समझते हो। तो मैं जो खुद से, जैसे मैं पढ़ती थी, फिर मैं मूवीज वगैरह में एक दिन बिंजे वॉच करने लगती थी, फिर मेरा वो ध्यान एकदम भटक जाता था। मतलब मैं अपने आप को एक्सक्यूज देने लगती थी, अरे घर पे इतनी सारी चीजें चल रही हैं, कैसे पॉसिबल होगा। तो वो वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट होता है सर। अब जब मैं बात कर रही हूँ तो अब तो देख सोचने में इतना मुश्किल नहीं लग रहा, बट एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पार्ट होता है कि आप कैसे खुद को उस ढांचे में ढालते हो। मतलब कंसिस्टेंसी, जितना वर्ड साउंड इजी करता है वो इतना इजी है नहीं। एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने में समझ आता है कि इट्स रियली अ बिग थिंग। आप ये चीज़ कौन कंट्रोल करनी ही कंटिन्यू, सबसे बड़ा चैलेंज है। हम अक्सर एक्सक्यूजेस दे देते हैं, जैसे कि आपने बोला कि मुश्किल है। एक्चुअल में अगर आप हमारे पूरे किसी स्टूडेंट लाइफ में सारे के सारे स्ट्रगल्स को कंपाइल करो ना, सो 99% जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, वो हमारे उस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं, टोटली सर, जो आप टोटली। बोल रहे हो कि मैं खुद किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हूं, बट मैं ये बात कैसे बोल दूं कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, तो मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को रीजन बताता हूं। बिल्कुल सर। और जिस दिन से हम स्टैंड लेने लगते हैं ना कि नहीं, ये पार्ट, ये जितना भी जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे पार्ट पे रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि एट द एंड चॉइस हमें हमें बनानी है। मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, यहाँ से मेरे को एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैमिली वगैरह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कल को दे वोंट बी एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं नहीं कुछ फिर से कर पाऊंगी तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। तो जो लास्ट ईयर सर जो बैक टू बैक मेरे नेगेटिव रिजल्ट्स आए थे, तो आपने शायद टेलीग्राम पे या एक वीडियो यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपने बताया था कि सबसे पहला इसमें रीवैम्प करने का खुद का जो जर्नी का स्टेप होगा वो होगा कि हम फेलियर्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और वो चीज मुझे हिट की कि जब तक मैं वो चीज नहीं करूंगी वो नहीं होने वाला है, तब तक मैं अपने आप को, क्योंकि वही बात है आपके दिमाग में होता है कि अरे मैं तो इसमें रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ, तो आपका वो रिजल्ट एक्शंस भी उसी तरीके से स्पीक करता है। परफेक्ट। तो उसमें उस दिन मैंने जर्नल किया, मैंने तुरंत एक खाली पेपर लिया, पेन लिया, और मैंने लिखा क्या क्या हुआ, मेरे पार्ट पे क्या गलती थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये है, और मेरी गलती इस पूरे टाइम में क्या हुई कि मैंने घर पे ही अपने आप को ये एक्सक्यूज देना देती रही कि मैं घर पे कर लूंगी। तो फिर उसके बाद तो सर जब मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया लाइब्रेरी मेंबरशिप से, तो मैंने दो छोटी छोटी डायरीज बनाई थी, तो उसमें मैं कॉन्स्टेंटली जो भी मेरे थॉट आता था, जो मुझे लगता था कि आई नीड टू लुक टू दैट थॉट, देखना है मुझे थॉट कि मैं क्या एक्चुअली सोच रही हूँ, उसको तुरंत लिखती थी उस डायरी में। तो वो भी आई फील कि मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत क्लैरिटी फील होती थी दिमाग में कि अरे मैंने ये लिख रखा है। मैं अपने आपको डेली एक पेज तो लिखती थी कि आई एम स्टिल कंसिस्टेंट, आई एम स्टिल गोइंग स्ट्रांग, और मैं बहुत डिटरमिंड हूँ। तो जब ये थॉट्स आप वहां पेपर पे लिखते हो, वो जो मैजिक करता है, तो अपने आप वो एक्शंस फिर आपके कंसिस्टेंसी में चलते हैं सर। आप वो कंसिस्टेंसी से जाना नहीं चाहते हो। अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे ना बहुत सारे, तो लास्ट बैच भी उसी टाइम पे क्लोज हो रहा था, तो मैंने आई थिंक आपने तो नहीं देखा होगा क्योंकि आपका तो हो गया तब तक, तो मैंने उनको एक सिंपल सी बात बोली थी, बी सेल्फिश इनफ। बहुत ज़रूरी है। हम कई बार बिल्कुल ना सब चीज़ों को सोचते हैं, ये भी कर लिया जाए, ये पेरेंट्स ऐसा चाह रहे हैं, वैसा चाह रहे हैं, आज से 4 सालों के बाद कब किसका क्या ओपिनियन बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एट द एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो क्यों ना आज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, एटलीस्ट अपने लिए सेल्फिश हो जाएं, कम से कम जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिससे जिसके ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी तय करती है। अगर आप इसको छोटा थोड़ा सा ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव पे देखो ना, कि आज आप SBI PO बन गए और आप SBI PO ना बनते, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई भी जॉब ना लगती, आप दोनों को अगर दोनों सिचुएशंस को पैरेलल देखो रख के ना, तो ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। और मैं ये बहुत फील कर पा रही हूँ, क्योंकि ये थॉट्स तो अभी मेरे फ्रेश अभी तक है मेरे माइंड में कि जब आप नहीं होते ना कुछ, तो आपकी फैमिली में ही आपको फील होता है कि ये लोग एनिमीज की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं, ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं जो करना चाह रही हूँ। लेकिन उस पॉइंट पे अगर आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी है आपके दिमाग में कि आप जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, और ये चीज, ये एक्शंस आपके बहुत ज्यादा जरूरी है कल को इन्हीं लोगों को हैप्पीनेस देने के लिए, तो फिर आप नहीं होवर करते उस थॉट से, मतलब अपने डिसीजन से आप उस पे करते रहते हो भले ही एक बार, और फिर ग्रेजुअली एक पॉइंट पे वो फैमिली भी समझने लग जाती है। मतलब शुरुआत में वो उन चीजों को समझाना उनको मुश्किल होता है, पर जब वही बात है ना कि आपके एक्शंस लाउडर स्पीक करते हैं देन योर वर्ड्स, तो जब वो एक्शंस फैमिली भी देखती है कि अरे बारिश हो रही है, हम लोग बोल रहे हैं कि तुझे बुखार हो जाएगा, फिर भी ये छाता लेके निकल गई,
एकदम घुटने तक पानी भरा है, फिर भी ये पढ़ने को इतना ज्यादा वो कर रही है, ठंड है बहुत ठिठुरती ठंड है, फिर भी ये रजाई गद्दा छोड़ के अपना बेड छोड़ के निकल गई पढ़ने के लिए। तो वो एक्शन से फैमिली भी फिर आपको वो सब सपोर्ट करने लग जाती है, और फिर आज तो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब मम्मी पापा सब इतने ज्यादा प्राउड हैं, और इतना उनने इतने सालों जो स्ट्रगल्स किए हैं, अब मैं जो वो फीलिंग सोच रही हूँ कि उनको अब मैं सब प्रोवाइड इन कर पाऊंगी, वो अनबीटेबल फीलिंग है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जर्नी इज वर्थ इट सर, मतलब कितना भी फेलियर्स हो मिसरीज हो। मैंने भी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे ये शेयर करने का सोचा था, मतलब थोड़ा ट्राई किया था कि मैं अपने थॉट्स पुट इन करूं, तो जो मेरा थॉट निकल के आया कंक्लूजन में वो यही था सर कि फेलियर्स और मिसरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इनको नेगेटिवली लेते हैं कि नहीं ये नहीं होने चाहिए लाइफ में, एक बार को ये भी थोड़ा थॉट आता है, बट नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब तो मैं, मेरे को मौका भी मिले तो भी मैं इसको चेंज नहीं करना चाहूंगी अपनी जर्नी को। आई वुड वॉन्ट ऑल दोज फेलियर्स, ऑल दोज रिजेक्शन, ऑल दोज सॉरी मैसेजेस भी आई सॉ इन ऑन माई डेस्कटॉप जब रिजल्ट आ रहे थे, तो वो सब जरूरी है बहुत ज्यादा सर। तभी हम आज जितने हम्बल हो रिजल्ट के बाद, अभी भी हम्बल फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमने क्या क्या कुछ किया इस चीज को पाने के लिए। तो वो ग्रेटफुलनेस और वो हम्बलनेस इसी से आएगी, फेलियर्स और बहुत मिसरीज बढ़िया, देखकर। हाई फाइव। जी ये क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे बच्चे कई बार आप सब भी पूछते हो कि सर आप इतने शांत कैसे हो, आप इतने हम्बल कैसे हो। सो नाउ यू गॉट द आंसर। बहुत तरगड़ा है, बहुत बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, और मैं कहता हूँ कि सबने साथ दिया है। जाकिर खान एक बहुत प्यारी बात बोलता है कि किस बात का गुरूर करूं यार, यहां तक पहुंचा हूं, सबने अपना हाथ दिया यार, किस बात का गुरूर कर। तो बहुत बहुत सही सर, बिल्कुल। और अब बहुत प्यारी जर्नी है, और मैं मानता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी जॉब को क्रैक कर लेना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट इस तक पहुंचने के लिए जो आपने सीखा है ना, इस तक पहुंचने के लिए जो आपने डेवलप किया अपने अंदर, सारी उम्र काम आएगा वो। बिल्कुल सर, और यही इम्पोर्टेंट है सर। ये अब मैं सोचती हूँ, हाँ ये भी है कि हाँ आपने जॉब पा लिया, पर वो ये जॉब तक पाने के लिए जो चीज मैटर करती है वो आपकी जर्नी ही होती है। ये लोग इतने लेवल्स इसीलिए रखते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इन्हें जीडी जीईवी, क्योंकि इनका टारगेट ही यही होता है कि आप एक ऑफिसर की तरह वो अपना कैरेक्टर बना लो उस पूरे जर्नी से गो थ्रू करने के लिए। तो आई टोटली अग्री सर आपकी इस बात से, अब तो बहुत ज्यादा ये चीजें समझ आती है। बहुत अच्छी बात है जी। अभी आप दिल्ली पहुंचो, मिलते हैं दिल्ली में, और बहुत यस मजा आएगा, और बहुत सर, अच्छे से सब बैठेंगे, बात करेंगे, और एक अच्छा एक प्रोडक्टिव टाइम बिताएंगे। यस सर, आई एम सो एक्साइटेड। जी बिल्कुल, मैं भी, मैं आप सबसे मतलब होता है ना, इंटू 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 एक्साइटेड हूँ सबसे, जितने सभी आप आ रहे हो। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, आपके पेरेंट्स को बधाई दीजिएगा, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करना उनको, और ऐसे ही पॉजिटिव रहो और ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। थैंक यू सो मच सर। सर एक स्क्रीन शॉट लेना बिल्कुल। कहाँ गए आप? आपने है वीडियो, सर, आपकी वो वीडियो शायद बंद हो मैंने गई स्क्रीन शॉट पे वो बंद कर दिया, हो है। ठीक गया सर। थैंक यू है, सर, ओके जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।